फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टू कलर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वर्धमान वाले वूल ली है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको इस नॉर्मल वर्धमान वाले वूल में बुनना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप यहाँ पे 3 तार वाली 3-ply वूल में बुनना चाहते हैं तो आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत प्यारा सा बन के आएगा। किसी भी कलर में बनाइए, उसी में डिजाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है। मल्टी कलर में बनाइए, टू कलर में बनाइए, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा इस तरह से डिजाइन हमारा बना है। इसको आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, गर्ल स्वेटर में डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं, टॉप में डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी स्वेटर में, कार्डिगन में, सॉक्स में, किसी में भी आप डालिए। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा इस तरह से बन के आएगा। राइट साइड से इस तरह से नजर आएगा और रॉन्ग साइड से इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही ईजी डिजाइन है, तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो इसको डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फंदे डाले हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे डालेंगे और 2 फंदे प्लस करेंगे। जैसे पहले 3 गिनिएगा, 3, फिर से 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 3, लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने ये यहाँ पे 3 के मल्टीपल फंदे डाल के 3 × 6 = 18 और मैंने 2 फंदे प्लस किए हैं, और ये मैंने एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से बढ़ा लीजिएगा, सीधी साइड से डिजाइन बनना शुरू होता है। तो जो बेस कलर है, इसी कलर से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सीधी सिलाई बुनेंगे पूरी, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो इस पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे, और किसी भी कलर में बनाइए, उसी कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुना। अब आ जाइए उल्टी तरफ, यहां से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाइयां मैंने बुन ली। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। अब देखिए कैसे डाल लेंगे डिजाइन। ये 2 फंदे हैं, 1, 2, 2 में आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इसमें से फंदे निकाल देंगे। तो जो अब ये पीछे वाला फंदा है इसको बीच में करेंगे और बीच वाले को ऐसे आगे की तरफ कर लेंगे। तो 2 फंदे ये हैं जो हमने बदले हैं और तीसरा फंदा ये है। 3 फंदों को लेके ऐसे इस तरह से बैक लूप से 3 का 1 बनाएंगे। ऐसे 3 का 1 बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे इस तरह से और फिर से यहीं से ही 3 का 1 फंदा बनाएंगे। अब इसको ऐसे उतार देंगे। अब फिर से देखिए ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों में हमने डिजाइन डालना है। तो आगे से 2 में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, इसे निकाल लेंगे और इस फंदे को बीच में करेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे, इनका 3 का 1 बनाएंगे। फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और फिर से 3 का 1 बनाएंगे, उतार देंगे। फिर से ये 3 फंदे लेंगे, इन 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे, तो आगे से 2 फंदों में सिलाई डाल के इसे निकालेंगे, जो ये फंदा है इसको इसमें डालेंगे, बीच में करेंगे, इसको आगे करेंगे और 3 का 1 बनाएंगे।
फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर से तीन का एक फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को हम बुन लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और फिर से तीन का एक बनाएंगे, उतारेंगे। अब ये लास्ट का फंदा सीधा। अब आ जाइए उल्टी तरफ, अब पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, पूरी रो को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, तो स्टार्टिंग में दो सिलाइयाँ हमने बेस देने के लिए बनाई थी, एक सीधी एक उल्टी। अब डिजाइन की दो सिलाइयाँ बन गई हैं, अब तीसरी सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। डिजाइन हमारा एक सिलाई में डलता है और हमारी सिलाइयाँ उल्टी सीधी बन के कंप्लीट होती हैं। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो ये डिजाइन की तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई उल्टी तरफ, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए चौथी सिलाई को भी हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए फिर से डिजाइन को डालेंगे, तो यहां से हम सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से डिजाइन वाली रो को डालेंगे, तो फिर तीन फंदों में डिजाइन डालेंगे, तो आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे, दो फंदों में ऐसे निकाल लेंगे, इस फंदे को वापस इसी में लेंगे, फिर इसको आगे डालेंगे, तो फंदे पलट गए। अब तीन फंदों का एक फंदा यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर से तीन का एक बनाएंगे। इस तरह से फिर से तीन फंदे लेंगे, आगे से दो फंदों में सिलाई डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और जो ये बीच वाला फंदा है इसको यहाँ पे करेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे और तीन का एक फंदा बुन लेंगे। ऐसे घुमाएंगे और फिर से बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने ये चार सिलाइयाँ डिजाइन की इस कलर से बनाई थी, बॉर्डर के बाद दो सिलाई हमने बेस देने के लिए बुनी थी उनको नहीं बनाएंगे, जो चार सिलाइयाँ डिजाइन की डाली थी उन्हीं को बनाएंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने अब किया, तीन तीन फंदों में डिजाइन डालते जाएंगे, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। तो इसी तरह से जब आप ये चार चार सिलाइयाँ रिपीट करेंगे तो आपका देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये डिजाइन बन के आ जाएगा। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। या आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, एक कलर डाला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे डालते जाएंगे तो बहुत ही प्यारा डिजाइन ये बनेगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।